यहाँ पर एम एस स्कूल के क्लास रूम में मिस्टर मोहम्मद शौकत साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हमसे कुछ बात करते हैं। शौकत साहब, ये बताइए यहाँ पर स्कूल कितने साल से है और कैसे चल रहा है आपका स्कूल? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शौकत। अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल 2008 में शुरू हुआ। पहले साल नर्सरी से लेके फिफ्थ क्लास तक के क्लासेस है मेरे पास, और उसी को अपग्रेड करते हुए पिछले 3 साल पहले 10th क्लास में पहुँचे हम लोग, और अल्लाह के फजल से पिछले 3 साल से 10th क्लास का नतीजा हमें पसंद रहा। माशाल्लाह, आज के कैंप से बच्चे बहुत मुस्तफ़ीद हुए और बहुत सारे बच्चों को मैंने एनर्जी टैबलेट दिया गया और कुछ सिरप दिया गया, मेडिसिन दिया गया, और आँखों से मुतालिक भी अच्छी मशीन थी उसमें। उस मशीन से भी जो है ना बहुत सारे बच्चों का टेस्ट किया गया, और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी उस कैंप से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। लगभग कितने आदमी स्कूल के? तो पूरे बच्चे इस्तेफादा उठाए हैं। उसके अलावा आज खुशी की बात यह है कि हमारा रिपोर्ट भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स आए, तकरीबन 500 से ज़्यादा पेरेंट्स इस कैंप से इस्तेफादा करें। गैलेक्सी हॉस्पिटल की तरफ से कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर आए? गैलेक्सी की तरफ से यहाँ पर आने वाले डॉक्टर्स है, आई स्पेशलिस्ट है, फिजियो जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स है, और फिजियोथेरापिस्ट है, और पीडियाट्रिशियन है, डायबिटिक चेक करने के लिए वो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। माशाल्लाह अच्छा कोऑपरेशन रहा, पूरे डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट भी रहे, बच्चों के साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे, हों बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करें हम लोग, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करें उन लोग, जिसकी वजह से माशाल्लाह कैंप बहुत अच्छा। माशाल्लाह से 99 TV शुरू से ही जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमें बड़ी खुशी हुई 99 TV के साथ हम जुड़ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इस 99 TV के ज़रिए हमारे स्कूल के बच्चे तो उससे इस्तेफादा करेंगे, इसके और इसके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी, दूसरे पेरेंट्स को भी कुछ सीखने का, कुछ देखने का मौका मिलेगा, जिसमें ख़ास तौर से हमारे डिबेट्स है, जो हर हफ्ता एक डिबेट होता है हमारे स्कूल में, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, और इंग्लिश में किसी भी टॉपिक के ऊपर वो जो बहस मुबाहिसा होता है, वो उस मुबाहिसा को भी जो है ना इंशाल्लाह 99 TV के ज़रिए सारे नाज़रीन देख सकेंगे। इसके अलावा इन इंटरनल बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ का भी जो है ना 99 TV के साथ हम इश्तराक से काम करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छे से इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, इससे बच्चों के साथ साथ दूसरों को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से अगर से प्रोग्राम करते रहे तो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी बहुत फास्ट डेवलप करेगी। शुक्रिया शुक्रिया। में आज मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, और यहाँ के जो करेस्पॉन्डेंट हैं शौकत साहब, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। माशाल्लाह ये बहुत ही डायनेमिक और अच्छी करेस्पॉन्डेंट है, हर बार नए नए इनोवेटिव चीज़ लाते हैं इनके स्कूल में,
काफ़ी बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह जो आज जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करे हैं, इससे एरिया में एक लोगों को मालूम होते हैं, जो गरीब लोग हैं एरिया में, जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह क्लिनिक वगैरह नहीं जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और ये तमाम नए जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं उसके लिए भी अच्छी बात है, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रहा है। तो मैं इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में अमर इंसान साहब को जो गैलेक्सी के चेयरमैन हैं और 99 चैनल के भी चेयरमैन हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो भी ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं हर बार। मैं तकरीबन 2-3 कैंप्स उनके अटेंड करा हूँ, वो भी आवाम की काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं, और हमें बहुत ज़रूरी है ऐसे कैंप्स की अपने एरिया में। अब ये तो कैंप शास्त्रीपुरम डिवीज़न में हो रहा है, ये और दूसरे एरिया में भी मैं चाहूँगा वो जाए और कैंप ऑर्गेनाइज़ करे। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।